सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 8 सेलर्स ऑन अ बोट, 3 कैन वर्क ओनली ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड 2 ओनली ऑन द अदर साइड। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द सेलर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन द बोट। क्या मतलब है, एक बोट है, 8 सेलर्स उसमें है, तो यानी कि एक बोट है, बोट बनाना तो हमको आता नहीं, हम ऐसे तफरी बनाए दे रहे हैं, एक बोट ऐसे हमने बना दी है। अब सिंपल सा, अगर 8 सेलर्स हैं और बोट आप हिसाब से चलाना चाहते हैं तो 4-7 सेलर होना चाहिए, तो 4-4 सेलर्स इसमें, 2-3-4, और यहां भी 1-2-3-4-4 सेलर होना चाहिए। लेकिन पहले इन्होंने कह दिया कि भैया देखो, एक ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो कहते हैं कि एक तीन पर्टिकुलर सेलर एक साइड में है, हाँ है, यानी ये 3 हो गए फिक्स, और यहां पर 2 सेलर है, ये हो गए फिक्स। अब इनको बाद में हम आगे पीछे कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 यहां पर पहले से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बचे कितने, 8 थे, 5 तो फिक्स हो गए, अब 3 बचे, ठीक। अब 3 में से आपको पहले या तो एक इसको दे दो, मतलब साइड ए में, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन सेलर आउट ऑफ 3 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, ये फिक्स है, इनसे कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, बाद में हम अरेंज कर लेंगे ये, लेकिन पहले से बैठे हुए हैं। टू सेलेक्ट वन सेलर आउट ऑफ 3 फॉर साइड ए, तो 3C1 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके हो गए। मतलब मान लिया यहां पर राम श्याम राघव, राम श्याम और टॉमी कुछ भी है, तो आप पहले आर को या तो यहां भेज दो, या तो एस को भेज दो, या तो टी को भेज दो। भाई मारे ये पी क्यू आर एस टी, ये पहले से बैठे हुए हैं, और ये आपके यू वी डब्ल्यू हैं, यू वी डब्ल्यू, तो यहां या तो यू को भेज दो, या तो वी को भेज दो, या तो डब्ल्यू भेज दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 सेलर्स आउट ऑफ 2, वो एक चला गया ना फार साइड बी, तो 2C2, यानी एक तरीका हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा। अब आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि सभी सेलर को एक साथ एक ही नॉर्म होना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, जरा समझने की कोशिश करो, 3C1 इंटू 2C2 होंगे ही होंगे, लेकिन 3C1 करने की पर क्या हुआ कि साइड ए के पास 4 सेलर हो गए, सही कहा मैंने, और 2C2 करने का मतलब बी के साइड में 4 सेलर हो गए, लेकिन इन्हें आप रिशफल कर सकते हैं, यानी आप पी को इधर, क्यू को इधर, आदमी है ना ये, तो आदमी को अगर इधर तो करोगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा ना, तो यानी ए साइड को चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 और बी साइड को चेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको 3 होगा इंटू 1 होगा इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 4 × 12 = 24, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर हमने निकाला है वो निकला है आपका 1728। 24 का स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, करें क्या कैलकुलेटर से, चलो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, नहीं अब ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई नहीं आता, काहे दिमाग अपना लगाएं, 24 × 24 × 24 × 3 1728, ठीक है, तो 1728 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं, तो दिस इज 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।